दोस्तों सबसे पहले इस जगह को देखिए। इसके बारे में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से या किसी वीडियो में जरूर सुना होगा। अमेरिका के सेंटा क्रूज में मौजूद इस जगह का नाम है मिस्ट्री स्पॉट, और यहाँ पर जाने वाले टूरिस्ट ऐसा कहते हैं कि इस स्पेसिफिक इलाके में ग्रेविटी काम ही नहीं करती। यहाँ लोग खड़े खड़े टेढ़े हो जाते हैं, दीवारों पर स्लैंड स्टैंड कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार तो यहाँ आने वाले लोग दीवारों से उल्टे भी लटक जाते हैं। और ऐसा करने के लिए यहाँ के टूरिस्ट को किसी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इस जगह का कमाल ही ऐसा है कि यहाँ ये कर्तव्य अपने आप ही हो जाता है, और जिस वजह से इस जगह को द प्लेस विद नो ग्रेविटी कहा जाता है। बट इज इट रियली ट्रू? वेल ऑफ कोर्स नॉट। दरअसल इस जगह में ग्रेविटी बाकी जगहों से कम या ज्यादा नहीं है, बल्कि इस इलाके में जो मकान बने हुए हैं ना, उनका आर्किटेक्चर ही इस तरह का है कि वहां पर कदम रखने वाले लोगों के और उन्हें ऑब्जर्व करने वाले लोगों के दिमाग में ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट होता है कि वो टेढ़े चल रहे हैं या ग्रेविटी को डिफाई कर रहे हैं, जबकि हकीकत में लोग केवल उसकी डिजाइन से भ्रमित हो जाते हैं और कुछ भी नहीं। खैर दोस्तों, ये तो हो गई वो घटना जिसके पीछे सीधा सीधा ढोंग छुपा हुआ था। पर क्या आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर सच में ग्रेविटी हमारी एवरेज ग्रेविटी से कम या ज्यादा भी होती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन जगहों पर ना तो ऑप्टिकल इल्यूजन का खेला होता है और ना ही किसी छलावे का, बल्कि इन इलाकों में हकीकत में गुरुत्वाकर्षण बल औसत से कम या फिर ज्यादा होता है, और वो भी इतना कि कई बार इनकी वजह से सैटेलाइट इमेज में डिस्टॉर्शन भी पैदा हो जाती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि जब पूरी धरती एक साथ बनी है और उसकी ऊपरी सतह पर सब कुछ टेरेस्ट्रियल एलिमेंट से ही बना हुआ है, तो धरती के किसी कोने पर ग्रेविटी कम तो किसी कोने पर ग्रेविटी ज्यादा क्यों होती है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है लेट 1990s से, जब वैज्ञानिकों ने धरती की ग्रेविटी को एक्यूरेटली स्टडी करने के लिए एक प्रोग्राम को इनिशिएट करने की सोची। ग्रेविटी हमेशा से एक ऐसा टॉपिक रहा है जो हमें हर मौके पर कोई ना कोई सरप्राइज देता रहता है, और एटलीस्ट ये सरप्राइज धरती से ना आए इसके लिए नासा ने जर्मन स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करते हुए नींव रखी ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट एज नोन एज ग्रेस की। अब मार्च 2002 में लॉन्च की जाने वाली ग्रेस सैटेलाइट का काम था धरती को चारों तरफ से अच्छे से ऑर्बिट करना और उसकी ग्रेविटेशनल पावर को ऑब्जर्व करते हुए एक मैप को डिजाइन करना। यह मिशन करीब 15 साल तक चला, जिसमें मार्च 2002 से अक्टूबर 2017 तक धरती को अच्छे से ऑर्बिट करके सारी डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद ग्रेस ने डिजाइन किया हमारी पृथ्वी का ये नक्शा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि इस मैप में कौन सा कलर क्या डिनोट कर रहा है। वेल, गौर से देखने पर इस मैप में आपको मेजरली चार कलर ही दिखाई देंगे, जो है रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। अब दोस्तों इसमें जितना हिस्सा आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वहां पर ग्रेविटी उतनी ही है जितनी धरती पर यूजुअली होनी चाहिए, विच इज एग्जैक्टली 9.80665 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। मगर डिफरेंस क्रिएट होता है बाकी कलर्स में। जो हिस्सा यहाँ आपको नीले रंग का दिख रहा है, वहां पर नेगेटिव ग्रेविटेशनल एनोमली ऑब्जर्व करी गई है, यानी इन इलाकों का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे कॉन्स्टेंट एवरेज के मुकाबले कम रहता है। अब जो हिस्से येलो कलर के है, वहां का गुरुत्वाकर्षण बल हल्का सा ज्यादा रहता है। एंड एट लास्ट रेड रीजंस पर्टिकुलरली उन हिस्सों को डिनोट किया गया है जहां की ग्रेविटी स्टैंडर्ड ग्रेविटी की वैल्यू से कहीं ज्यादा रहती है। अब देखो ये तो हो गई कलर्स की बात, मगर यहां पर एक अहम सवाल ये बनता है कि धरती के अलग-अलग हिस्सों पर ग्रेविटी कम या फिर ज्यादा होती ही क्यों है? ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ग्रेविटी कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है जिसके वैल्यू का कांस्टेंट होना कोई जरूरी बात हो, बल्कि ग्रेविटी एक वॉलेटाइल फोर्स है जिसकी ताकत एक जगह से दूसरी जगह पर एनवायरनमेंट और कंडीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब देखो इसके कई मेन फैक्टर्स है, जैसे कि लैटिट्यूड, रोटेशनल इफेक्ट्स, एलिवेशन, टोपोग्राफी, टाइडल इफेक्ट्स, अंडरलाइंग जियोलॉजी, और जिस हिस्से को स्टडी किया जा रहा है उस हिस्से की जियोइड लेवल से ऊंचाई भी। नाउ आई नो बहुत से लोगों को जियोइड लेवल बाउंसर गया होगा, तो फटाफट इसे भी समझ लेते हैं क्योंकि ये आपको आने वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगा। देखो दोस्तों, हमारी धरती में अलग अलग पहाड़, गड्ढे, खाई, ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद है जिस वजह से अगर इन सब चीजों को कंसिडर करके हम लोग एक एक चीज को स्टडी करने बैठेंगे तो धरती का एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए वैज्ञानिकों ने जियोइड यूज करना शुरू किया।
आसान शब्दों में जियोइड एक ऐसा मॉडल है जिसमें वैज्ञानिक धरती को चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ इमेजिन कर लेते हैं और फिर इसी इमेजिनेशन के हिसाब से एक इमेजिनरी लेवल क्रिएट करते हैं। ये लेवल भी ये सोचकर क्रिएट किया जाता है कि धरती के हर हिस्से पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसी कांस्टेंट वैल्यू पर एक्ट करती है और फिर इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए अगर किसी लोकेशन पर जमीन या फिर समुद्र का लेवल उस प्रिडिक्टेड वैल्यू से कम होता है तो उसे एनोमली के नाम से जाना जाता है। नाउ एक क्विक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हम जिस कांस्टेंट ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं उस वैल्यू के हिसाब से अगर किसी जमीन की ऊंचाई 10 मीटर होनी चाहिए लेकिन उस लोकेशन पर वो जमीन सिर्फ 9 मीटर ही ऊंची है तो इसे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनोमली में डाला जाएगा, जबकि वहीं पर अगर जमीन 11 मीटर ऊंची निकली तो इसे पॉजिटिव एनोमली कंसीडर किया जाता है। अब ये सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल था एनोमली को कैलकुलेट करने का, बाकी इस चीज को और भी कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब देखो इस मैप पर कुछ कुछ इलाकों पर तो ग्रेविटेशनल एनोमलीज का क्रिएट होना इजीली समझ में आता है, जैसे हिमालय की चोटियों पर हाई ग्रेविटेशनल एनोमली देखी जाती है क्योंकि उनकी ऊंचाई एवरेज जमीन के लेवल से बहुत ज्यादा है। मगर एक हिस्सा है इस पूरे धरती में जिसकी गुत्थी इस मामले में आसानी से सॉल्व होती ही नहीं है और इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो है इंडियन ओशन में मौजूद ग्रेविटी होल। अब देखो जनरली ये एनोमलीज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती है, मगर इंडियन ओशन में मौजूद ये जाइगेंटिक ग्रेविटी होल करीब 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा वीक है कि ग्लोबल एवरेज के मुकाबले यहाँ का वाटर लेवल 106 मीटर नीचे जा चुका है। अब इस हिस्से में ग्रेविटी का इतना कम होना सिर्फ और सिर्फ इसी ओर संकेत करता है कि यहाँ पर पार्टिकल्स और मास का कंसंट्रेशन उतना नहीं है जितना दुनिया के बाकी ओशंस में होता है, क्योंकि पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन भी किसी जगह की ग्रेविटी को बढ़ाने या फिर घटाने में अहम रोल प्ले करता है। लेकिन इस समस्या का पता लगाने के बाद फाइनल कड़ी यहाँ पर अटक रही थी कि उस समस्या को क्रिएट किसने किया, यानी कि यहाँ पर पार्टिकल कंसंट्रेशन किस वजह से कम हुई है। वेल मोटा मोटा साल 1948 से इस जगह की डिस्कवरी होने के बाद से ही वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को सुलझाने की अनेकों कोशिशें की हैं, जिसके लिए दर्जनों थ्योरी सामने रखी गई है। मगर इस मामले में रिसेंटली सबसे बड़ा और सबसे ट्रस्टेबल ब्रेक थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के दो रिसर्चर्स देवंजन पाल और अतर्य घोष ने दिया। उन्होंने कहा कि हम अभी तक इस मिस्ट्री को इसीलिए नहीं सॉल्व कर पाए हैं क्योंकि हम इसे प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, जबकि इसका जवाब इस पूरे हिस्से के अतीत में छुपा हुआ है। अब दोस्तों इस रिसर्च के लिए उन्होंने 19 कंप्यूटर मॉडल्स को देखा जिसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पिछले 140 मिलियन सालों में इस इलाके का टेक्टोनिक मूवमेंट किस तरह से हुआ है, ताकि यहाँ पर होने वाली पास्ट एक्टिविटीज से इस मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करी जा सके। अब सारे मॉडल्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे लेकिन एक चीज जो इन सब में कॉमन रही थी वो थी लो डेंसिटी प्लाज्मा प्ल्यूम्स जो इस ग्रेविटी होल के निचले हिस्से से बाहर आ रहे थे। अब उनके डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से आसान शब्द में हुआ ये था कि जब अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट से अलग होकर भारत का हिस्सा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की तरफ बढ़ रहा था ना, तब उसके आगे बढ़ने के साथ साथ प्राचीन टेथिस सी का सी बेड जिसके बारे में हमने आपको अपने अरब ऑयल वाले वीडियो में बताया था वो मेंटल के नीचे जाने लगा और इंडियन ओशन इमर्ज होने लगा। हालांकि हर सी बेड की तरह बदलते समय के साथ साथ टेथिस सी बेड भी एज ए पार्ट ऑफ मेंटल मेल्ट होने लगा और इसी इंसिडेंट ने आगे के प्रोसीजर को ट्रिगर किया। अरबों सालों से इकट्ठा होने वाले हाई डेंसिटी मेंटल के मेल्ट होने पर रिलीज होते हैं लो डेंसिटी मैग्मा प्ल्यूम्स। नाउ आफ्टर ऑल मेंटल में भी कम गर्मी नहीं होती है ये तो हम सभी जानते ही हैं और लाखों साल पहले होने वाली इसी प्रोसेस की वजह से आज दुनिया के बाकी ओशियंस और वाटर बॉडीज के मुकाबले यहाँ की डेंसिटी और कंसंट्रेशन उतनी नहीं है जितनी इतने सालों के क्रिएशन के बाद इसके बॉटम बेड में होनी चाहिए थी थैंक्स टू द डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय इंडियन टेक्टोनिक प्लेट। और छोटे से इतिहास में झांक कर कुछ इस तरह से हमें ये पता चला कि आखिर गुरुत्वाकर्षण में होने वाली इतनी बड़ी एनोमली के पीछे का कारण क्या था। अब और सिंपलीफाई करके बताना हो तो ये समझ लीजिए कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से होने वाली डिस्टरबेंस की वजह से ही इस पूरे इलाके में ऐसी हलचल हुई है कि आज यहाँ का हाल कुछ इस तरह का हो चुका है। अब दोस्तों इस रिसर्च के लिए IISc बैंगलोर के रिसर्चर्स को एक तगड़ा सा शाउट आउट और जाते जाते आपके लिए एक सवाल और वो ये है कि जियोइड क्या होता है। अपने जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखना। देखते हैं किसने किसने वीडियो को ध्यान से देखा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।